हेलो एस्पायरेंट्स, आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो जीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। ओके, जनरली लाइफ में हम इसके बारे में सुनते हैं और महसूस भी करते हैं, लेकिन आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और इसके कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्ट के साथ साथ इसे आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक या भूकंप। सबसे पहली बात कि भूकंप होता क्या है, ठीक है? तो यदि आप इसके शब्द को ही देखें तो भू धन कंपन, ओके, अर्थक्वेक यानी कि भू धन कंपन, जमीन का कपकपाना, थरथराना। किसी भी वजह से आप जहां पर हैं या किसी भी धरती के किसी भी पार्ट पे किसी तरह का मूवमेंट हो रहा है, धरती हिल रही है, तो उस दोलन को, उस ऑसिलेशन को क्या कहा जाएगा? अर्थक्वेक कहा जाएगा, यानी कि भूकंप कहा जाएगा। क्लियर? तो सरल शब्दों में सिंपल सी डेफिनेशन भूकंप की क्या, कि अर्थ स्ट्रक्चर पे, अर्थ सरफेस पे किसी भी तरह की वाइब्रेशंस को फील करना। ओके, फीलिंग ऑफ वाइब्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस और ऑन द क्रस्ट इज अ अर्थक्वेक, भूकंप कहलाता है। चलिए ठीक है, भूकंप की तो डेफिनेशन हो गई। अब इसके आगे बात करते हैं कि ये जो भूकंप होता है इसको किस ब्रांच में इसकी स्टडी की जाती है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि कोई भी फिनोमिना है उसका स्टडी का जो पर्पस है, जो ब्रांचेस है, उनका नाम क्या होता है। तो जब अर्थक्वेक की बात करेंगे, भूकंप की बात करेंगे, तो इसके लिए जो ब्रांच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ध्यान रखिएगा। इसे कहा जाता है सिस्मोलॉजी, ठीक है? सिस्मोलॉजी में हम क्या करते हैं, भूकंप का अध्ययन करते हैं, भूकंप की स्टडी करते हैं। तो भूकंप की स्टडी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि ये भूकंप जो है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जा रहा है, ये धरती पे जो कंपन आ रहे हैं इनको मापा कैसे जाता है। तो जो अर्थ सरफेस है इस पे सिस्मोग्राफ करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इन अर्थक्वेक वेव्स को एनालाइज करता है, ठीक है? कौन करता है? सिस्मोग्राफ। और जब इसके मापन की बात आएगी, यानी कि भूकंप के मेजरमेंट की बात आएगी, तो मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जा रहे हैं वो कौन से हैं? रिएक्टर और मार्केली स्केल। बहुत सारे स्केल्स होती हैं, बहुत सारे मेजरमेंट्स यूनिट्स होती हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन अक्सर रिएक्टर में आपने सुना होगा कि जब भी कहीं पर भूकंप आ रहा है, आप न्यूज़पेपर ओपन करते हैं तो आपको दिखाई देता है कि 7 रिएक्टर का यहाँ पे क्या फील किया गया, भूकंप, ठीक है? तो ये जो अर्थक्वेक है इसके लिए अभी दो जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिए हैं हमने, वो कौन से हैं? वो है मार्केली स्केल और दूसरा है आपका रिएक्टर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं कि ये जो अर्थक्वेक है, ये जो भूकंप है, ये जनरेट कैसे होता है, ठीक है? यानी कि भूकंप बनने के जो मेन कारण है वो क्या है, तो इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक सिंप्लीफाई कर दूं कि इनके कॉजेस क्या होते हैं। तो जब अर्थक्वेक की बात करते हैं तो अर्थक्वेक में कॉजेस में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दो रीजन हो सकते हैं, दो कारण होते हैं। एक तो नेचुरल होता है, प्रकृति है, प्रकृति के अपने हिसाब किताब है, ठीक है? तो जो प्राकृतिक कारण है ना, प्राकृतिक कारकों की वजह से यदि धरती हिल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल कॉजेस कहेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू और भी है जिसे कहा जाता है क्या? आर्टिफिशियल और मैनमेड, ठीक है? मैनमेड शब्द से ही समझ में आ रहा है, हमारे द्वारा किए गए क्रियाकलाप। हमारे द्वारा किए गए क्रियाकलाप से क्या मतलब? आज के टाइम पे जैसे जैसे धरती में सिविलाइजेशन बढ़ता रहा, धरती में हम नए दौर की तरफ बढ़ते रहे, हमने मॉडर्नाइजेशन को अपनाया, बहुत सारी ही डेवलपिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व रहे हैं और फ्यूचर में रहेंगे भी, और इसी के चलते हुए हमने प्रकृति के जो हिसाब किताब है उनके साथ बहुत बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया है। आप प्रकृति से, जब आप प्रकृति बिना कुछ सोचे समझे आपको इतना कुछ देती है और आप उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम न करते हुए उसका अंधाधुंध कोई भी दुरुपयोग करेंगे तो अपना जवाब लेगी। इसी वजह से धरती पर ऐसे कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो कि मैनमेड है? तो जैसे कि आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले केदारनाथ में भयंकर वाली बाढ़ आई थी। कहते हैं कि वहाँ हिमालय जो था वहाँ पे लैंड स्लाइड्स हुए, भूकंप आया, जिसकी वजह से फिर वहाँ आगे उसने बाढ़ का रूप लिया।
तो भूकंप जब बनता है तो ये कई कारकों को साथ में लेकर के आता है, ठीक है? कैसे कारक? जैसे कि आप जानते हैं, अक्सर सुना करते हैं वोल्केनो, ये अलग से अपना टॉपिक होता है, ज्वालामुखीता, ठीक है? तो जो वोल्केनो है, वोल्केनिक मैग्नेटिज्म है, ये अलग से एक टॉपिक है, लेकिन यदि भूकंप आ रहा है तो संभावना है कि वोल्केनिज्म भी क्या होगी, वहां पे इरप्शन हो सकता है यदि वो सेंसिटिव जोन है। दूसरी चीज, बाढ़ का आना, फ्लड, सुनामी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, भूकंप आया है, यानी कि सागर की जो आसपास की लहरें हैं वो बहुत अधिक ऊंचाई तक क्या हो रही हैं, वेव्स जनरेट हो रही हैं, और इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि वहां पर बड़ी बड़ी जो लहरें आ रही हैं वो सुनामी का कारण बन रही हैं। अब जानते हैं कि जो नेचुरल कॉजेज हैं वो कौन से होते हैं। तो नेचुरल कॉजेज में सिंपल सी चीजें हैं, लैंडस्लाइड्स का हो जाना, ज्वालामुखीता का होना, ठीक है? इस तरह के जो कारक होते हैं ये प्राकृतिक कारक होते हैं, लेकिन मैन मेड में क्या होता है, जो हम पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालय में हम बहुत गहरी खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, चट्टाने वहां पे हिल रही हैं, उनकी जड़ों पे इफेक्ट हो रहा है, तो बाकी रिएक्शन भी उनसे इफेक्ट होगी कहीं ना कहीं। तो इस तरह की जो मानवीय गतिविधियां हैं उनकी वजह से होने वाले जो कारण हैं भूकंप के कॉजेस में आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जब नेचुरल कॉजेस की बात हो रही है, और मैंने अभी एक नाम लिया वोल्केनिज्म, इसका अर्थ केक से क्या रिलेशन है, ठीक है? तो मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि वोल्केनिज्म एक अलग सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हम अर्थ के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा उसको भी लेते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। तो जब हम कॉजेस की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि हम जहां पर खड़े हैं इस धरती पे, ये क्या है, लिथोस्फेयर, ठीक है, अर्थ क्रस्ट है, ओके। पृथ्वी का जो बाहरी भाग होता है वो क्या कहलाता है, भूपर्पटी, अर्थ क्रस्ट। और ये अर्थ क्रस्ट क्या है, ये यही लैंड सरफेस है जिस पे आप अभी स्टैंड कर रहे हो, क्लियर? अर्थ के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल कीजिए प्रीवियस वीडियोस और क्लासेस को, तो इसके जो सेकेंड लेयर होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मेंटल, ओके, इनर मेंटल, आउटर मेंटल, आपको पता है इसके बारे में। तो दूसरी जो सरफेस है ये क्या है, ये है मेंटल। अब आते हैं इनर की तरफ, तो ये जो सबसे भीतरी भाग है इसका, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोर, ठीक है? अब ये स्ट्रक्चर को यहाँ डिफाइन करना क्यों जरूरी था, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मेंटल, यहाँ पे किसकी बात होगी, हमारे लिए मेंटल की बात होगी, ओके। ये मेंटल की बात करेंगे तो इस मेंटल में क्या होता है, यहाँ पे जो मटेरियल्स है वो किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, ये पाए जा रहे हैं सेमी लिक्विड। किस फॉर्म में जा पाए जा रहे हैं, सेमी लिक्विड, यानी कि अर्ध तरल पदार्थ के फॉर्म में, ठीक है? अभी ये जो अर्ध तरल पदार्थ है यहाँ पे आधा पिघला हुआ है, और इसके ऊपर कौन सी संरचना आपको दिख रही है, ये अर्थ क्रस्ट की दिख रही है ना? हमको पता है कि हमारी ये जो अर्थ क्रस्ट की स्ट्रक्चर है ये 7 डिवीजन में डिवाइडेड है, जिन्हें हम अपन अभी क्या कॉन्टिनेंट कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। तो ये जो क्रस्ट स्ट्रक्चर है उसके नीचे ये जो मेंटल है ना, ये मेंटल जो कि सेमी लिक्विड फेज में है, और जिसे हम जनरल वर्डिंग्स में मैग्मा कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं, मैग्मा। ये मैग्मा यहाँ पर यदि सेमी लिक्विड फेज में है तो वो मूवमेंट करेगा या नहीं, केमिस्ट्री याद कीजिए, आपको अच्छे से पता है कि जब हम मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे सब्सटेंसेस को डिवाइड करते हैं तो गैस, लिक्विड और सॉलिड में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है? गैसियस में तो बहुत ज्यादा डिस्पर्स होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स, इनके बीच के जो बॉन्डिंग्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं। सेमी लिक्विड में एज कम्पेयर टू गैसियस फेज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा सा डेंस होते हैं, ठीक है? लेकिन सॉलिड जो मैटर्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उनके कंपेयर में जो सेमी लिक्विड वाले हैं वो तो भी कम डिस्पर्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बॉन्डेड है, लेकिन सॉलिड फेज में नहीं है, सेमी लिक्विड है। और जब सेमी लिक्विड है तो वो गतिमान तो होगा ही, मूवमेंट तो करेगा ही। तो जब ये मूवमेंट करेगा मैग्मा, ठीक है, जब ये चलेगा मैग्मा, जब ये हिलेगा मैग्मा, तो मैग्मा के ऊपर जो ये क्रस्ट है
यानी कि जो भूपरपटी है, यानी कि जो सरफेस एरिया है, ये क्या होगा, ये भी तो मूव करेगा ना। यानी कि मैग्मा गर्म है, यहाँ पे सेमी लिक्विड फेज में है, वो ऊपर की तरफ एक प्रेशर डाल रहा है, तो क्रस्ट स्ट्रक्चर जो हो रही है वो भी क्या हो रही है, मूव हो रही है। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी धरती पर जो ये क्रस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो प्लेट्स हैं, ये पर ईयर कुछ मिलीमीटर क्या होती हैं, मूव करती हैं, ठीक है। यानी हर साल ये जो सरफेस स्ट्रक्चर है वो क्या कह रही है, गतिमान हो रही है, ठीक है। तो इनके गतिमान होने का रीजन क्या है, ये लिथोस्फीयर मूवमेंट क्यों कर रहा है, हमें पता होना चाहिए। तो ये जो लिथोस्फीयर मूवमेंट हो रहा है, उसके यहाँ पर सरफेस में क्रस्ट के सेकंड लेयर में जो मैग्मा मौजूद है, उस मैग्मा के मूवमेंट की वजह से इन क्रस्ट स्ट्रक्चर पे एक फोर्स क्रिएट होता है, और इस वजह से ये जो लैंड स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या करती, मूव करती है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो लिथोस्फेरिक जो सरफेस है वो मूव करने लगी। अब होता क्या है कि जब हम अर्थक्वेक की बात करते हैं और कॉजेस में हमने नेचुरल और मैन मेड देख लिए, तो आगे हमें ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई ना कोई तो फोर्स काम कर ही रहा होगा, है ना, कोई ना कोई बल काम कर रहा होगा। न्यूटन का तो फर्स्ट लॉ ही कहता है ना, क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया, आपने फिजिक्स में अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, फोर्स कहीं ना कहीं इस पे दबाव डाल रहा है। तो किस तरह के फोर्सेस होते हैं, जब हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं तो ये फोर्सेस को दो क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है आपका एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। एक्सोजेनिक का मतलब बहिर्जात, यानी कि बाहर से लगने वाला बल। और दूसरा जो होता है वो होता है एंडोजेनिक। एंडोजेनिक का मतलब अंतर्जात, यानी कि भीतर से उस पर बल डालने वाला, ठीक है। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस और एंडोजेनिक फोर्सेस, ये फोर्सेस जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपकी अर्थ सरफेस पे, आपकी क्रस्ट के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव डालते हैं, और इसकी वजह से जो भूकंप होता है वो जनरेट होता है। देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ फोर्सेस होते हैं जो लैंड फॉर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। कौन कौन से फोर्सेस की बात की हमने, एक्सोजेनिक फोर्सेस और एंडोजेनिक फोर्सेस। तो आपको ध्यान रखना है, जो एंडोजेनिक मतलब पृथ्वी के अंदर से लगने वाला बल, तो कौन सा हो जाएगा, अर्थक्वेक यानी भूकंप, फिर उसके बाद वोल्केनिक यानी कि ज्वालामुखीता, लैंड स्लाइड यानी कि भूस्खलन। इसी तरह से जो बाह्य बल इस पे आरोपित होते हैं लैंड स्ट्रक्चर को जो फॉर्म करते हैं, वो है रिवर यानी नदियाँ, विंड यानी हवाएं, और ग्लेशियर यानी कि जो वहाँ पर बर्फीली चट्टानें हैं, ठीक है, हिमानियाँ हैं। तो इस तरह से लैंड स्ट्रक्चर फॉर्म्स जो होते हैं ये फोर्सेस की वजह से क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। लेकिन हमारे जो टॉपिक चल रहा है वो है अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट में, जैसे कि हमने इसका बैकग्राउंड, इसके कॉन्सेप्ट को समझा, तो अभी आपने अर्थ स्ट्रक्चर में देखा था कि इसका जो सेंटर पार्ट है कोर, और ये मेंटल और अपर आउटर साइड है क्रस्ट। भूकंप जो होता है, अर्थक्वेक जो होता है, ये जनरेट कैसे होता है, ये जो सेकेंड लेयर है आपकी कौन सी, मेंटल। इस मेंटल पे ये जो सेमी लिक्विड फेज है, ओके, यानी अर्ध पारगम में जो वहाँ पे परिस्थितियाँ मौजूद हैं, यहाँ पे जब भूकंप को क्या किया जाता है, भूकंप यहाँ से जेनरेट होता है। याद रखिएगा, भूकंप की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, मेंटल से हो रही है। और यहाँ पे जो ये बिंदु होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जहाँ पे भूकंप का भूकंप की उत्पत्ति का अनुभव किया जा रहा है, जहाँ पे भूकंप जेनरेट हो रहा है, इस जगह को कहा जाता है फोकस। क्या कहा जाता है, फोकस। तो याद रखिएगा, फोकस कहाँ है, फोकस जहां से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक। क्लियर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो एक कॉन्सेप्ट आता है, जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एपिसेंटर क्या है, क्या, एपिसेंटर अधिकेंद्र, ओके, एपिसेंटर अर्थक्वेक में किस फिनोमिना को कहा जाता है। तो इस क्रस्ट स्ट्रक्चर पे, क्रस्ट को इसीलिए पढ़ा हमने अभी, लिथोस्फीयर की बात हो रही है, ठीक है, जो प्लेट्स हैं जो मूवमेंट कर रही हैं, तो इस फोर्स का, फोकस का जो भूकंप ओरिजिन हुआ है, जनरेट हुआ है, उसका हम जिस जगह पे अनुभव करते हैं, सबसे पहले फील करते हैं, कहाँ पर,
अर्थ क्रस्ट पर पृथ्वी की ऊपरी संरचना पर जहां पर हम सबसे पहले भूकंप को क्या कर रहे हैं महसूस कर रहे हैं उस जगह को क्या कहा जा रहा है अधिकेंद्र या एपिसेंटर। ओके पहला हमने क्या देखा जहां भूकंप बन रहा है उसे फोकस कहा। दूसरा हमने क्या देखा कि जहां पर महसूस कर रहे हैं क्रस्ट स्ट्रक्चर पे उसे हमने क्या कहा एपिसेंटर कहा। क्लियर। अब तीसरी बात कि ये एपिसेंटर फोकस से किस जगह पर कितनी डिग्री पर या फिर कहां पर जनरेट होता है तो याद रखिएगा फोकस से जो एपिसेंटर है ये एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है यानी कि मेंटल पे फोकस था यहाँ से 90 डिग्री पर जहाँ हम महसूस कर रहे हैं उन भूकंप के झटकों को सबसे पहले वो जगह अधिकेंद्र एपिसेंटर कहला रही है एग्जैक्ट 90 डिग्री पर। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसके आगे की सबसे इम्पोर्टेंट हम सेगमेंट पे बढ़ते हैं वो ये है कि जब भूकंप आ रहा है तो कहीं ना कहीं इस भूकंप के आने से और क्या इसमें तरंगों का महत्वपूर्ण रोल है। तो सबसे महत्वपूर्ण रोल यही है कि जब जब भूकंप आता है तो यहाँ पर तीन तरह की तरंगों की उत्पत्ति होती है। कौन कौन सी वेव्स हैं ये नंबर वन पी वेव ओके पी तरंगे नंबर दो एस वेव्स यानी कि एस तरंगे और नंबर थ्री एल वेव्स। ठीक है अब इनके बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे बनते हैं जैसे कि इनके नामों को बोल दिया जाता है सबसे ज़्यादा वेग किसका है पूछ लिया जाता है किसकी प्रकृति यानी कि नेचर कैसा है ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। नंबर वन हमने क्या देखा है एस वेव्स दूसरा सॉरी नंबर वन हमने देखा है पी वेव नंबर टू हमने देखा है एस वेव नंबर थ्री हमने देखा है एल वेव्स। सबसे पहले इनका नाम देखिए इनको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है ये सब क्या है ये वेव्स है ना कौन सी भूकंप तरंगे हैं अर्थ के वेव्स हैं। तो जब हम प्राइमरी पी वेव्स की बात करेंगे तो इसे प्राथमिक वेव भी कहा जाता है यानी कि प्राइमरी वेव पी से प्राइमरी वेव ओके एस से सेकंड नंबर ध्यान रखिएगा इसे सेकेंडरी वेव कहा जाता है। ठीक है द्वितीय तरंगे क्लियर। नंबर थ्री एल वेव्स इसे कहा जाता है लीथल वेव्स और इसका दूसरा नाम है सरफेस वेव्स। क्लियर सरफेस वेव यानी धरातलीय तरंगे लीथल वेव्स यानी घातक तरंगे। ठीक है तो तीनों का नामकरण हमने कर दिया नॉमिनेशन कर दिया प्राइमरी सेकेंडरी लीथल और सरफेस वेव। अब आगे देखते हैं इनके नेचर को। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये कि जब यहाँ अर्थ के स्ट्रक्चर देख रहे हैं है ना अर्थ में आपको पता है कि जो क्रस्ट होता है वो सॉलिड फेज में होता है मेंटल होता है लिक्विड यानी कि सेमी सॉलिड फेज में होता है। ठीक है कोर जो होता है उसमें इनर कोर जो होता है वो सॉलिड फेज में होता है। आखिर इनका पता कैसे चला कि जो हमारी अर्थ स्ट्रक्चर है इनके ये फेजेस है इनके ये नेचर्स हैं। तो पृथ्वी की संरचना को पता लगाने का एक सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है वो है ये अर्थ के वेव्स है ना यानी कि भूकंप तरंगे। कैसे क्योंकि ये भूकंप तरंगे जो होती हैं ये जब यहाँ से होकर के गुजरती हैं तो लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि जो प्राइमरी वेव है ओके जो पी वेव है ये वेव कैसा काम करती है ये वेव जो होती है ये साउंड वेव्स की तरह काम करती है यानी कि ध्वनि तरंगों की तरह। आपने फिजिक्स में अनडाउटेडली लाइट चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा प्रकाश तरंगों को क्योंकि वो तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाहे वो इलेवेंथ हो ट्वेल्थ हो टेंथ हो या आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। ओके तो यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि जो प्राइमरी वेव्स होती है इनका बिहेवियर कैसा होता है जस्ट लाइक अ साउंड वेव्स। दूसरी चीज जब सेकेंडरी वेव्स की बात करते हैं तो इनका जो बिहेवियर होता है ये लाइट वेव्स की तरह होता है ट्रांसवर्स ओके और थर्ड आपका लीथल या सरफेस वेव्स है ही। तो सबसे पहले जब हम पी वेव्स की बात करेंगे तो ये पी वेव जो होती है ये वेव्स ये याद रखिएगा कि ये किन किन फेजेस से होकर के पास हो सकती हैं इसी के बेसिस पे हमने अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया है। तो जो प्राइमरी वेव या पी वेव होती है ये गैसियस फेज से यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड की बात हो रही है लेकिन याद रखिएगा कि गैसियस से ठीक है इसके अलावा लिक्विड से यानी द्रव्य माध्यम से और तीसरा सॉलिड से यानी कि ठोस माध्यम से
होकर के पारगमित हो सकती है यानी कि ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, तो यदि पी वेव के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आए तो याद रखना है कि तीनों फेजेस गैसेस, लिक्विड और सॉल्ट से होकर के क्या होती है, पास हो सकती है। अब सेकेंडरी वेव्स की कहानी क्या है। सेकेंडरी वेव्स में ये याद रखना है कि ये होती है ऐसे वेव्स जो कि केवल और केवल सॉलिड वेव, सॉलिड फेज यानी कि ठोस माध्यम से होकर के पारगमित होती है। ओके, याद रहेगा ऐसे वेव्स जो होती हैं वो कहाँ से होकर के पास होती हैं, सॉलिड ठोस माध्यम से, केवल और केवल ठोस माध्यम से होकर निकलती है। यहाँ तीनों माध्यम थे, यहाँ केवल ठोस माध्यम है। अब बात आती है लीथल वेव्स की, एल वेव्स की। जो ये अर्थ स्ट्रक्चर है ना, इसमें सबसे खतरनाक कौन सी तरंगे होती हैं, वो होती है एल वेव। क्योंकि जब भी भूकंप आता है तो पी वेव और एस वेव की तुलना में जो एल वेव्स होती हैं इनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, और इसी वजह से भयंकर क्षति होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि जो एल वेव्स हैं ये सरफेस पे रन हो रही है, धरती के स्ट्रक्चर पे रन हो रही है, धरती के जब क्रस्ट पे रन हो रही है तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए इनका दूसरा नाम लीथल या घातक तरंगे भी कह दिया गया। और धरातल पर चलने के कारण यानी क्रस्ट सरफेस पर रन होने के कारण इसका नाम क्या हुआ, सरफेस वेव्स भी हमने कहा। ये भी क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी, वेग, इन तीनों तरंगों में सबसे ज्यादा वेग किसका होता है, तो याद रखिएगा पी वेव्स जो होती हैं, पी तरंगे जो होती हैं, इनका वेग जो होता है ये सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से पी एस और एल वेव्स की ये मेन कैरेक्टरिस्टिक थी जिनके बारे में हमें जानना था। क्लियर, तो ये हो गया वेव्स का स्ट्रक्चर। अब इस अर्थ के सबसे लास्ट पॉइंट पे हम पहुंचते हैं कि भूकंप जो होता है ये इसके नुकसान क्या होते हैं, हार्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो भूकंप तरंगों की वजह से आपको पता है कि जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, धन जन इन सब की बहुत ज़्यादा क्षति होती है, बड़े पैमाने पे डिजास्टर जो मैनेजमेंट होता है वो चलाया जाता है एक्सेट्रा। क्योंकि ये जब पीएससी और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ते हैं तो इसके लाभ और हानियों की बात करते हैं। आपके प्री एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव में नुकसान जैसे क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो बनता है इसके नुकसान का वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो ये अर्थ के कारण ये जो भूकंप आ रहा है इसी की वजह से सुनामी उत्पन्न हो रही है। क्या सुनामी? सुनामी कैसा शब्द है? सुनामी एक जापानी वर्ड है, जापान से उत्पन्न हुआ, जिसका मतलब होता है बहुत ऊंचाई तक उठने वाली तरंगे। ठीक है, तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं इन कोस्टल एरियाज में यदि अर्थक्वेक मूवमेंट हो रहा है तो जो सागर के आसपास की तरंगे हैं वो बहुत ऊंचाई तक उठेंगे। तो कितनी ऊंचाई तक? लगभग 15 मीटर। यदि 15 मीटर तक ये तरंगे भूकंप की वजह से उठ रही हैं, और ये 15 मीटर तक की तरंगे जो होती हैं कितना नुकसान करती हैं आप सबको पता है। हमें तो ये जानना है कि इन्हें सुनामी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ऊंचाई तक 15 मीटर तक उठने वाली समुद्री तरंगों को। और लास्टली जो अर्थक्वेक है, ठीक है, जो भूकंप है, जब हम भारत की बात करते हैं, अर्थ यहाँ पर हमारी इंडिया में अर्थक्वेक जोन को 5 जोन्स में डिवाइड किया है। अभी भी एनसीईआरटी में 5 लिखा हुआ है, वैसे कहते हैं कि 4 कर दिया गया, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो हम उसमें 5 ही डिवीज़न मानेंगे। ठीक है, इन 5 सेंसिटिव जोन में, इन 5 डिविजन्स में से आपको पता है कि हमारा एक बहुत ही सेंसिटिव जोन है जो कि है हिमालय। कौन सा रीजन? हिमालय। ये हिमालय क्यों सेंसिटिव जोन है? आपको पता है ना कि जो हिमालय होता है वो कैसा है, वो न्यूली फोल्डेड माउंटेन है, नवलित पर्वत श्रृंखला है। यानी कि जो पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं ये अपनी तरुण अवस्था में हो, और जब ये अपनी यंगर फेज में है तो अनडाउटेबली उनमें ग्रोथ होगी, ये कुछ सेंटीमीटर्स अपनी हाइट को इंक्रीज करेंगी क्योंकि इनमें प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो जब प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स यानी प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार इनमें अभी भी क्या ऊंचाई बढ़ने का क्रम जारी है, तो ऑब्वियस है कि उस रीजन में कंपन होगा। और जब उन रीजन्स में वाइब्रेशंस फील किए जाएंगे तो ये रीजन क्या होगा, ये भूकंप सेंसिटिव यानी अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन बनेगा। तो भारत में ये जो हिमालय वाला रीजन है ये हिमालय के न्यूली फॉर्म्ड फाउंडेशन की वजह से क्या है, ये सेंसिटिव जोन है।
क्लियर। तो इस तरह से आपको दो तीन चीजें होमवर्क में करनी है। नंबर वन, इंडिया में मैप ओपन कीजिए, सबके पास एटलस होगा, उसमें देखिए कि जो अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन है वो कौन कौन से हैं, उन्हें मार्क कीजिए। क्लियर। नंबर टू, जो अर्थक्वेक हैं इनमें से जो बाकी क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और एनसीईआरटी को ठीक ठाक पढ़ लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट और फैक्ट सभी को हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया है। क्लियर। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। हमने क्या क्या देखा? हमने ये देखा कि भूकंप जो होता है उसकी डेफिनेशन भू धन कंपन, ओके, यानी कि अर्थ सरफेस पे आने वाला किसी भी तरह का जो वाइब्रेशन है जिसकी वजह से धरती हिलती है उसे भूकंप कहते हैं। नंबर दो, भूकंप के जो जनरेशन के कारण है ये है कि लैंड स्लाइड्स है, जो लैंड है हमारा जो क्रस्ट सरफेस है वो कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि क्रस्ट के नीचे का जो मैग्मा है वो सेमी लिक्विड फेज में है जिसमें मूवमेंट होता है और उसी का असर पड़ता है कि अर्थ स्ट्रक्चर या अर्थ क्रस्ट पे क्या होता है, कुछ ऐसे वाइब्रेशंस फील किए जाते हैं। नंबर थ्री, मैनमेड भी एक्टिविटीज होती है लेकिन नेचुरल एक्टिविटीज जैसे कि अर्थक्वेक में ये लैंड स्लाइड्स और यदि वोल्केनिज्म की बात करें या फिर अर्थक्वेक की बात करें, इससे लैंड फॉर्म्स स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्मेशन होता है। नंबर फोर, जब हम अर्थक्वेक की बात करते हैं तो अर्थक्वेक में तीन तरह की वेव्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जनरेट होती हैं, जिनमें से एक है प्राइमरी वेव, दूसरी है सेकेंडरी वेव और तीसरी है आपकी एल वेव, ओके। नंबर पाँच, प्राइमरी वेव्स जो होती हैं ये लिक्विड गैस और सॉलिड से होकर के पास होती हैं, जबकि जो सॉलिड फेज सॉरी सेकेंडरी जो वेव्स होती हैं वो केवल सॉलिड से पास होती हैं। और जब एल वेव्स की बात करेंगे तो ये जो होती हैं धरातलीय सतह यानी कि हमारे सरफेस पे चलती हैं, ठीक है। नंबर फाइव, आपके इस भूकंप का जो स्टडी किया जाता है जिस ब्रांच में किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और इसके लिए जो मेजरमेंट यूनिट्स यूज़ होती हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, उनमें सबसे मेन है रिएक्टर और मार्केली स्केल। क्लियर। तो इस तरह से हमने इस अर्थक्वेक सारे के टॉपिक को क्या किया है, यहाँ पे समराइज किया है। होप सो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगा। थैंक यू सो मच।